वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली डेथ राइडर का टाउन हॉल सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर मॉक्सली एक बार फिर से कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर लंबा चौड़ा प्रोमो कट करते गए और मॉक्सली के प्रोमो के अंदर वो ऑरेंज कैसिडी को फुल गियर पर बीट करने को लेकर बात करते गए और मॉक्सली ये बोलते गए कि ऑरेंज कैसिडी कभी भी AEW के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे। वेल, ऑरेंज कैसिडी को मॉक करने के बाद ऑरेंज कैसिडी अरीना में अराइव होते गए और वो यहां पर ये बोलते गए कि भले ही वो कभी भी AEW पर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए, बट वो यहां पर मॉक्सली को टाइटल के लिए जरूर हराएंगे और वो यहां पर मॉक्सली को मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट तभी यहां पर डेथ राइडर के बाकी मेंबर कैसिडी के ऊपर अटैक कर देते गए और इसके बाद डेथ राइडर्स कोलिजन शो के ऊपर कैसिडी को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर FTR आज यहां पर कैसिडी को सेव करते गए। बट गाइज, इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ब्लू लीग के अंदर काइल फ्लेचर को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर इन दोनों के ही हील होने की वजह से ये दोनों बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को मॉक कर रहे होते गए, जहां पर दोनों के हाइट एडवांटेज की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर बिग बूट लगाते गए। बट मैच के एंडिंग पर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि मैच के एंडिंग के ऊपर फ्लेचर यहां पर ओकाडा के ऊपर लो ब्लो लगाते गए और इसके बाद ब्रेन बस्टर के साथ AEW के करंट कॉन्टिनेंटल चैंपियन ओकाडा को बीट करके काइल फ्लेचर ऑर्गुबली AEW के अंदर बिगेस्ट विक्ट्री लेते हैं।